नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि राज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सरकार की एक नई योजना के बारे में। दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का एक नई योजना यहाँ पे लागू की गई है कि यहाँ पे जो बासहीन परिवार होते हैं उनको यहाँ पे जो है जमीन दिया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे वैसे परिवार जो यहाँ पे अपना घर नहीं बना पाए हैं या फिर जो अपना घर बनाए हैं वो वैसी जगह पे है जहाँ पे कि आप लोग का जो है उनका खुद का जमीन नहीं है, वो कहीं पे भी यहाँ पे जो है अपना घर बनाए हुए हैं, तो ऐसे में उन सभी परिवारों को जो है यहाँ पे जमीन दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि जो आप लोग का गैर मजरूआ यहाँ पे जमीन होता है उस पे लोग यहाँ पे घर बनाए हुए होते हैं, या फिर जो सड़क के किनारे जो आप लोग का जमीन होता है जो कि सरकारी आप लोग का जमीन होता है उस जमीन पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है घर बनाए हुए होते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कि यहाँ पे जो बास का जमीन नहीं है, यानी कि खुद का जमीन नहीं है, और वो जो सरकारी आप लोग का जमीन होता है, चाहे आप लोग का मठ का जमीन हो गया, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे तरीके का जो जमीन है वो आप लोग यहाँ पे पड़ती होता है, तो उस पर लोग अपना घर बनाकर जो है यहाँ पे रहने लगते हैं। तो उनको जो यहाँ पे बासहीन परिवार में यहाँ पे गिनती किया जाएगा और उन सभी परिवारों का जो जमीन है उनको यहाँ पे दिया जाने वाला है। या तो उनको वही जमीन दे दिया जाएगा जिस पे उन्होंने यहाँ पे घर बनाया हुआ है, या फिर जो है उनका यहाँ पे एक अलग से जमीन दिया जाएगा जिस पे कि वो जो यहाँ पे घर बना पाएंगे और उनके नाम पर जो यहाँ पे जमीन दिया जाएगा। तो ये जो है एक नई योजना यहाँ पे आप लोग का लागू की गई है और इस योजना के लिए आप लोग का एक नया ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका कि नाम आप लोग का बसेरा ऐप यहाँ पे रखा गया है। और इस ऐप के माध्यम से आप लोग का जो यहाँ पे सर्वे किया जाने वाला है और उन सभी लोगों को यहाँ पे जो लाभ है वो यहाँ पे मिलने वाला है। अब किस तरीके से यहाँ पे जो है बासहीन लोगों को यहाँ पे जमीन दिया जाएगा इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। किस तरीके से आप लोग का आवेदन होने वाला है, क्या आप लोग का पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी यहाँ पे गरीब परिवार है जो यहाँ पे अपना घर नहीं बना पाए हैं या फिर जो गैर मजरूआ जमीन पे या फिर वैसी जमीन पे यहाँ पे घर बनाए हुए हैं जो कि उनका खुद का नहीं है, तो उनके लिए जो बड़ी अपडेट है, अब जो है उनको यहाँ पे खुद का जमीन मिलने वाला है और खुद के जमीन पे वो अपना जो यहाँ पे घर है उसको यहाँ पे बना पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे रेड कलर से बटन दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों मेरे पास एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, इसमें आप लोग का जानकारी दिया गया कि बांस विहीन परिवारों को बांस भूमि देने के लिए अभियान बसेरा का ऐप लॉन्च है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि जो बांसहीन परिवार है उनको यहाँ पे जो है भूमि दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, और यहाँ पे जो है उसके लिए बसेरा ऐप जो है वो आप लोग का लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया दोस्तों की राज्यसभा में भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने अपने कार्यालय कक्ष में बसेरा अभियान के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए पूरे राज्य में बांसहीन लोगों का ब्यौरा एकत्रित कर संधारित किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे यह जो ऐप बनाया गया है, इस ऐप के माध्यम से जो भी लोग यहाँ पे बांसहीन है जिनके पास यहाँ पे जो है रहने का जमीन नहीं है, रहने का घर नहीं है, उनका यहाँ पे जो है आप लोग का डाटा बनाया जाएगा, उनका जो पूरा डिटेल है उसको यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद बताया दोस्तों की गृहविहीन लोगों को हल्का पंचायतवार सर्वे करने की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारियों को दिया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग किस हल्के में किस पंचायत में जो है कितने लोग ऐसे हैं, उनका नाम क्या है, उनका डिटेल क्या है, ये सारा जो है उस ऐप में आप लोग को यहाँ पे डालना होगा। और इसका जो आप लोग का पूरा जिम्मेदारी है वो आप लोग का राजस्व कर्मचारी जो होते हैं, यानी कि कर्मचारी को ये जो सारा काम यहाँ पे दिया गया है, यानी कि कर्मचारी के द्वारा ही आप लोग का जो आवेदन है उसको यहाँ पे किया जाने वाला है, और कर्मचारी के द्वारा ही आप लोग का जो डिटेल है उसको यहाँ पे मोबाइल ऐप में जो यहाँ पे अपलोड किया जाने वाला है। यहाँ पे दोस्तों की समय सीमा 30 जून 2023 निर्धारित है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 30 जून तक आप लोग का जो सारा डिटेल है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ये जो है आप लोग का जानकारी दिया गया है। यहाँ पे बता दोस्तों कि इस ऐप में जिला अंचल मौजावार लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस ऐप में लाभार्थियों का नाम, उनके पिता या फिर पति का नाम, उनका आधार नंबर, परिवार में प्रत्येक सदस्य का विस्तृत ब्यौरा, यानी कि परिवार में कितने सदस्य है, उनका नाम क्या है, उनसे आप लोग का रिलेशन क्या है, वो सब यहाँ पे आप लोग का पूछा जाएगा, और मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे लिया जाएगा। इसमें लाभार्थी की कैटेगरी का भी उल्लेख रहेगा, यानी कि लाभार्थी किस कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी रहेंगे वो आप लोग पे दिया जाएगा। उसके बाद बताया दोस्तों कि परिवारों को 5 वर्ग में यहाँ पे विभाजित किया जाएगा, यानी कि 5 तरीके के लोगों को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों कि जिस प्रकृति की भूमि भूमिहीनों को वितरित की जानी है वो 6 प्रकार की है। यानी दोस्तों जिस प्रकार का आप लोगों का जमीन यहाँ पे वितरित किया जाएगा वो आप लोगों को बताएगा कि यानी कि किस किस प्रकार का जमीन जो है लोगों को मिलने वाला है वो यहाँ पे जानकारी दिया गया। यहाँ पे बताया गया कि रैयत जमीन पर बसे लोगों को बीपीएचटी का जो आप लोगों का पर्चा होता है वैसा जो जमीन है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है, जो रैयत जमीन है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है। गैर मजरूआ जो आप लोगों का जमीन है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। आम भूमि जो है वो भी आप लोग यहाँ पे दिया जाने वाला है। भूदान में जो आप लोग का जमीन जाता है वो भी आप लोग यहाँ पे दिया जाने वाला है। उसके बाद लैंड सीलिंग में आप लोग का जो जमीन जाता है वो भी आप लोग यहाँ पे दिया जाने वाला है। यानी कि इतने प्रकार का जो जमीन है इन सभी जमीन को जो है यहाँ पे सरकार एकत्रित करेगी, और एकत्रित करने के बाद आप लोग का जो यहाँ पे भूमिहीन लोग हैं उनको यहाँ पे वितरित किया जाने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया। उसके बाद बताया दोस्तों कि जहां उक्त प्रकार की सरकारी जमीन नहीं है वहां विभाग जमीन खरीद कर लोगों को 5-5 डिसमिल भूमि उपलब्ध करवाएगी। मान लीजिए कि किसी पंचायत में या फिर किसी हलका में जो है आप
लोग का ये सब जमीन नहीं रहता या फिर ये सब जमीन जो है वो कम रहता है, ऐसे में सरकार जो रैयत जमीन होगा यानी कि किसी का जो जमीन है वो यहाँ पे जमीन खरीदेगी और खरीद कर जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जमीन दिया जाएगा। यहाँ पे जो आप लोग का जमीन मिलेगा वो 5-5 डिसमिल आप लोग का जो जमीन है वो प्रति परिवार के दर से यहाँ पे दिया जाने वाला है, यानी कि 5 डिसमिल जो है आप लोग का जमीन दिया जाएगा जिसपे कि आप अपना जो घर है उसको यहाँ पे बनाइएगा। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है। उस पर दोस्तों आप लोग का जो बसेरा ऐप है इसी के माध्यम से आप लोग का सारा कुछ होने वाला है। बसेरा ऐप पर जो है आप लोग का पूरा डिटेल डाला जाएगा और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो जल्द जो है ये प्रक्रिया आप लोग का शुरू होने वाला है क्योंकि 30 जून तक जो है आप लोग का अंतिम डेट यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग का जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया होगा। धीरे धीरे करके आप लोग का जो सर्वे वहाँ पे होने वाला है और उसके बाद जो लाभ है वो यहाँ पे वितरित किया जाने वाला है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।